तो हम आए हैं नीतीश भाई के शर्ट पे, गंजी को अपना साइन कर देते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग सब कोई को। अभी मैं सो उठ गया हूँ और हूँ अभिषेक बाबू के अपने रूम में। और यहाँ से देखिए कुछ ऐसा व्यू आता है, एकदम पीछे पूरा जंगल ही जंगल, पूरा नेचर देखने को मिलता है यहाँ पे। अभिषेक बाबू ब्रश कर रहे हैं, आते हैं जैसे हम लोग सीधे निकलते हैं भाई नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम भी है। मान भाई एकदम सुबह 9 बजे नहा के एकदम रेडी हो रहे हैं। आ गए हम लोग लिफ्ट में, देखिए हम लोग इतने आलसी हैं ना कि फिर अभी कोई ये स्विच दबाया है बाहर से, हम लोग इतने आलसी हैं कि जब लाइट नहीं रहता है तो 5th फ्लोर तक हम लोग पैदल चले जाते हैं दौड़ के, लेकिन जब लाइट रहता है तो भाई बिना लिफ्ट का यूज किया तो नहीं जाते। और इधर अपने अभिषेक बाबू आ गए हैं जो कि 9 बजे एकदम सो के उठते हैं, और इन्हीं कारण हम लोग को लेट होता है भाई मेस जाने में। और भाई आज है इंजीनियर्स डे, तो भाई जितने भी इंजीनियर्स जो बन गए हैं या फिर बनने वाले हैं सबको हैप्पी इंजीनियर्स डे। सुबह का ब्रेकफास्ट सत्तू वाला पूरी और सॉस। तो भाई ब्रेकफास्ट करके ऑल सेट, और आज जो है हम लोग के 4th सेम का लास्ट क्लास है हम लोग कॉलेज में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाएंगे और निकलेंगे सीधे कॉलेज के लिए, और प्रैक्टिकल का एग्जाम भी है हमारा। रेडी हो गया ऑल सेट हम लोग दोनों, और जा रहे हैं फिलहाल हम लोग कॉलेज प्रैक्टिकल का एग्जाम देने। तो साहिल बाबू और धीरज भैया भी हम लोग को ज्वाइन कर लिए हैं। लग गया है बायोमेट्रिक हम लोग तीनों का, और जा रहे हैं हम लोग। साहिल भाई का ट्राई अगेन आता है बार बार, क्योंकि इनका इनके हाथ में वाला गिर मिट गया है। अपने गोलू भाई का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भाई। अभी हम लोग का हो गया है ये प्रैक्टिकल कंप्लीट, और अभी हम लोग बाबा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे सुजीत चौहान भी आए हैं जब उनसे मिलने, और इधर ऋषभ बाबू अपने बैठ के पूरा बाबा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबका प्लेसमेंट हो रहा है, देखो सबको एकदम प्लेसमेंट के इंटरव्यू के लिए एकदम सबको बैठ के तैयारी कर रहा है। अजीत भैया तो आपको आज प्लेसमेंट ले ही लेना है। हाँ सोच रहे हैं गूगल में आज हो जाए कम से कम 2-3 करोड़ का, यदि मिल जाएगा तो काम चल जाएगा मेरा। 2-3 करोड़ इकलौता ऐसा कॉलेज है जो कि डिप्लोमा पे गूगल कंपनी आता है। हम लोग कॉलेज गूगल कंपनी आए, अभी इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ भाई, और इधर अपने जायद भाई हैं, इधर बैठ के सीएस ब्रांच विन का बहुत अच्छा रिलेशन हमको पता है। भाई अपना भाईबा हो गया है ख़त्म। भाईबा नहीं, ये भाईबा ही था, ये कोई हम लोग प्लेसमेंट ही सब नहीं हो रहा था, वो तो मजाक का बात है। तो अभी रौनक भाई अपने पूरे सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, मैं भी दिया हूँ, और इससे हम लोगों को एक्सटर्नल मतलब हम लोगों को मार्क्स देते हैं। अभी हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, फिर भाईबा होता है, फिर उसके बेसिस पर मार्क्स मिलता है, जो जिसके लायक होता है उसको उतना मार्क्स मिलता है। अभी जा रहा हूँ मैं मेस, लंच का टाइम होने वाला, अभी हुआ नहीं है, 1 घंटे बाद होगा लंच। मैं अभी रूम पे नहीं आता, अभी तो 12 ही बज रहा है, लेकिन आने का कारण यही है कि रौनक जी का एगो गमछी है मेरे पास, उसके लिए एकदम हमको क्या बताएं कि भाई दे दे दे, हम कहीं भाई ले ले अटाव ले ले, देख लो हम भाई चप्पल पहन के आए, भाई चप्पल हमारा ना। किस भैया मिल गए हॉस्टल में आते आते, एकदम पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के रूम में। रौनक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और नीतीश भैया मेरे सबसे अच्छे भाई बोलो तो, दोस्त बोलो तो, सब कुछ है ये। हाँ भाई वाह, मोदी जी वाह। दोपहर का खाना एकदम एकदम सब्जी चावल अचार। फाइनली अभी मैं आ गया हूँ खाना खाने अकेले ही गया था, बाकी अपने जूनियर्स लोग काफी अच्छे हैं वहाँ के। हम लोग खाने मतलब हम लोग जाते हैं दूसरे मेस में खाने अपने जूनियर्स के मेस में, क्योंकि हम लोग का पर्सनल मेस अभी नहीं आया हुआ है, तो खाना वाना खा ली है। खाना क्वालिटी भाई नॉर्मल ही रहता है, लेकिन ठीक है, लोग अच्छे हैं भाई, जूनियर्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करके हम लोग खाना वाना खिलाते हैं। आ गया हूँ मैं खाना खा के, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सीक्रेट है नीतीश सर का, ये TCS कंपनी में इनका जॉब है, वहाँ पे HR हैं, और अभी जा रहे हैं हम लोग, अभी प्लेसमेंट चल रहा है मैकेनिकल ब्रांच का, तो उसी में भाई भाई लेने जा रहे हैं हमारे नीतीश सर। इधर देखिए नीतीश जी, नीतीश सर इधर देखिए। तो नीतीश सर अभी पूरा टाइम वही लगा के एकदम रेडी होकर जा रहे हैं भाई भाई लेने स्टूडेंट्स का। भाई अभी मैं आ गया रूम में, खाना वाना खा के बैठ के कर रहा थोड़ा देर रेस्ट, और आया है मेरे ऋषभ भाई। तो आज मैं थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ा धूप कम होता है तो आज मैं जाऊंगा, मेरे साथ ऋषभ जाएगा, हम लोग जाने वाले हैं। अभी तुम सुतो, तुमको नींद लग रहा है रूम में, लेकिन आ गया है जरूरी काम, इसकी वजह से भाई जाना पड़ रहा है मार्केट, बहुत जरूरी काम है। और अपने अभिषेक बाबू हैं उधर ही, तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मार्केट के लिए। सो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं डाला पे, मैं हूँ, मेरे साथ ऋषभ जी हैं,
और अभिषेक है और काम हम लोग के पास दो काम है। सबसे पहला काम है कि ऋषभ बाबू का आज बाल कटाने वाला है तो थोड़ा इनका आज इनको हीरो बना के लाना है अंदर से। दूसरा काम ये है कि आज ऋषभ हम लोग को स्प्राइट पिलाएगा और तीसरा काम ये है कि हम लोग जहाँ पहले रहते थे अपने शुक्ला अंकल के रूम में, हमारे रूम ओनर है काफ़ी अच्छे थे, दो साल से एकदम पूरा गार्जियन की कमी महसूस नहीं होने थी, उनसे भी मिलना है। तो भाई काम अभी फिलहाल हम लोग का हो गया है कंप्लीट और आ गए हम लोग लिफ्ट में, थर्ड फ्लोर पे फिलहाल अभी हूँ मैं, अभिषेक रहता है थर्ड पे, जाना है हम लोग को सेकेंड पे, उसी के आने का अभी वेट कर रहे हैं हम, सामान रखने गया है। बेसिकली हम लोग काम में कुछ सामान वान हम लोग का था वही पैक करना था और इसको रोकना है, अभी लिफ्ट रोक के रखे हम सबके लिए। दोस्त अपने सीनियर का फेयरवेल तो वही अभी लिखा में लिखाई हो रहा है, हम लोग भी कल लिखे थे जिन पे लिखना था। कल तुम कहाँ हो, बस आज की रात है जिंदगी, कल तुम कहाँ हो, अब कहता क्या है, कब क्या हो जाए किसको खबर, अरे कब क्या हो जाए किसको खबर, आना झूम कर जिंदगी है एक लंबा सफर, पल भर के हम दो सफर, सीनियर सर लोग हैं आज, ये लोग का फेयरवेल है तो एकदम सर लोग पूरा फुल मस्ती में है, लोग रियली आप लोग को मिस करेंगे हम लोग। और सीनियर्स हम लोगों को दे रहे हैं गिफ्ट, कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा था। बस चौमिन मिला हम लोग को सीनियर लोगों की तरफ से, थैंक यू सर फॉर दिस वेलकम। फाइनली अब इसी सीनियर लोग का सिस्टम सेट करके मतलब वो लोग जा रहे हैं आज, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल, मतलब मैं अकेले जा रहा हूँ हॉस्टल। सर और अपने हॉस्टल कैंपस में फुटबॉल मैच, छोटा सा ये फील्ड है लेकिन हो रहा है। मेस में अपने मेस का कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है, एकदम चारों तरफ हल्ला ही हल्ला हो रहा है खाने के लिए, क्योंकि भाई खाने में चिकन और ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं चिकन का। चिकन खाइएगा कि पनीर? चिकन भाई आने वाला है अभी चिकन, बहुत अच्छा है, गुलशन है खास कर भाई, जाने भाई हमको बैठा के खाना आ गया अपना, खाना में चिकन, ईद भी चिकन खा रहा है लेकिन भाई हम खुद शाकाहारी, हम खा रहे हैं भाई पनीर। तो भाई अभी हम आ गए हैं खाना खा के, मेरे साथ भीम भैया जो कि मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। दा भीम भैया खाना कैसा था? खाना बहुत मस्त था। और ये भी बात है कि भीम भैया की पूरी कॉलेज की लड़की भीम भैया की दीदी है, ये बात रियलिटी, ये बात सही है? नहीं ऐसे ही है। देखिए भीम भैया का मजाक नहीं बनाया जाए, जब भीम भैया हम लोग अच्छे हैं तो अच्छे हैं, मेरे भैया हैं, सबके भैया नहीं है क्या भीम भैया? भाई मेरा भाई नहीं है भाई, क्या है कि तुम्हारा सारा कॉलेज की लड़की दीदी है, तो आप तुमको कोई भाई नहीं बना सकते भाई। ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपका आपका कथन यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। दोस्त तो खाना हो गया अपना और अभी जा रहे हैं हम लोग ऊपर, अभिषेक सर का रूम था ऊपर में लेकिन अभी आ गए हैं मेरे बगल में, इनका सामान शिफ्ट ये सब करना है और फिर बगल में रह के भाई दोनों साथ में रह के सबको परेशान करेंगे, सबका जीना मुश्किल करेंगे। अब हम नमन सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि मेरे लिए स्प्राइट दो लीटर खरीदे हैं, हम एक बार बोले हैं तो बेचारा मेरे लिए खरीद दिए, पार्टी दे रहे हैं ना सर, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बोलना चाहते हैं। और अभी हम लोग दोनों मिलकर सबका एकदम जो होता है ना सिस्टम हैंग कर देंगे। तो भाई आज हम लोग फोर्थ सेम का लास्ट है और नीतीश भाई अपने यहाँ पे है तो हम आए हैं नीतीश भाई के शर्ट पे, गंजी को अपना साइन कर देते हैं कि इनको याद रहे कि हाँ भाई इनका कोई फ्रेंड था नमन, क्या तो भूल जाएंगे, भूलिएगा देखिए।
यहाँ पे मेरा गार्जियन है नीतीश सर, गार्जियन जैसे हैं अपने बड़े भाई जी ने, माई गार्जियन, ठीक है ना भाई? कभी आप मेरे बात से किसी से गुस्सा हुए होंगे तो उसके लिए भाई सॉरी, ठीक है, बाय।